दिल्ली के उत्तराखंड सदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री दिनेश सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी में साहसिक पर्यटन महोत्सव का आयोजन टिहरी लेक में 15-16 अक्टूबर को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड आस्था का केंद्र होने के साथ ही देश के बड़े भूभाग को प्राणवायु और जल देता है। हर आस्थावान व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आना चाहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ की धार्मिक पौराणिक पर्यावरणीय और नैसर्गिक सौंदर्य है। पर्यटन मंत्री दिनेश धने ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। टिहरी झील को मास्टर प्लान के आधार पर नए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय एडवेंचर अकेडमी, फ्लोटिंग मरीना, आयुष संस्थान आदि सुविधाएं प्रमुख है, जिसको राज्य सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। क्या कम है, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र। व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है और मैं किसी की स्वतंत्रता में, मैं समझता हूँ कि मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी को टिप्पणी।